हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ दिस इज़ माय सेकंड सेशन इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज सेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड टुडेज ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिकॉज व्हाट सो एवर विल बी टॉट टुडे इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज जो आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल का एक बेस होगा, और बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करना। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने एक डैनियल सेल दिखा दिया है आपको। इस सेल को ध्यान से अगर देखो तो हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से होता है। और Zn2+ आयन कंसंट्रेशन दिया गया है। सॉल्ट ब्रिज के लिए पैरेलल लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन रिडक्शन हाफ सेल के लिए copper 2+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड देन मेटेलिक कॉपर। तो कहीं ना कहीं हम कैसे गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस MnN+, इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 है। सॉल्ट ब्रिज, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर आपको कोई दूसरा मेटल हो गया, आपको सपोज करो इट इज PN+, इसका कंसंट्रेशन C2 होगा, मेटल P। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड दिस पार्ट राइट साइड इज रिडक्शन हाफ सेल। हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लेकर अगर सेल रिएक्शन लिखना हो तो देन हाउ विल यू राइट M, जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा N इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ सेल में जो PN+ आयन है सॉल्यूशन में वो N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल रिएक्शन अगर कंप्लीट लिखना हो इसको कैंसिल करो, अब आपके पास सेल रिएक्शन मिल गया PN+ एक्वस फॉर्म में, एरो MN+ एक्वस और P सॉलिड फॉर्म में। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सेल रिएक्शन हो गया जो एक्चुअल में कंप्लीट होता है। और ये जो हमने लिखा ये हमारा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, और ये था रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ द गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जो हमारा एनोड होता है, दिस इज एनोड एंड राइट साइड इज ऑलवेज कैथोड। एनोड को हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को पॉजिटिव साइन से करते हैं। दिस वॉज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई फर्स्ट सेशन। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? ओके, सो नाउ हियर अगेन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। सेम रिप्रेजेंटेड हियर Zn, ये आपको जिंक जिंक आयन के रूप में जा रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स कॉपर। ये तब तक है अगर मान लो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया, सपोज यू अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल, देन व्हाट मे हैपन। अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल बच्चों अप्लाई किया और आप ऐसा कह सकते हो कि ई एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हो, ई एक्सटर्नल जो आपका ऑलरेडी डैनियल सेल का पोटेंशियल है, जो हमारा डैनियल सेल है उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। अगर एक्सटर्नल आपने लगा दिया और वो पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो गया, तो उस केस में नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो नहीं होगा। इसको आप कैसे दिखा सकते हो? सपोज करो ये लेफ्ट साइड है, दिस वन इज़ द राइट साइड, हियर जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, दोनों सेल को कंप्लीट करेगा। ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। ओके, नाउ एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, इसको वायर के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर होगा जो पोटेंशियल मेजर करेगा। ये हमारा एनोड है, निगेटिव साइन, ये कैथोड है,
पॉजिटिव साइन। अब हम करते हैं क्या बच्चों, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, एक बाहर से हम बैटरी या सेल लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हमको जोड़ना है किसके साथ, कॉपर वायर के साथ, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर सी या रियोस्टेट लगा दिया और यहाँ से ये कनेक्टिविटी दे दी। ये हमारा हो गया ई एक्सटर्नल। नाउ द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अगर एक्सटर्नली जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो हमारा ऑलरेडी जो डेनियल सेल का जो पोटेंशियल है, अगर इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट हो, ये दोनों इक्वल हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, यानी कि जो एक्सटर्नली हमने सप्लाई किया है पोटेंशियल दे रहे हैं, अगर वो हमारे डेनियल सेल के पोटेंशियल से कम हुआ तो हमारा करंट का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का। और करंट का फ्लो हम कैसे दिखाएंगे, करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक। समझ में बात आ गई, तीन सिचुएशन। और अगर ज़्यादा हो गया एक्सटर्नल जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो इस सिचुएशन में आपको रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी डिस्कस किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ आप सबको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आ गया, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो तो आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो, सेल रिएक्शन यानी कि आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, उन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, अभी आपने देखा था कि हमने सॉल्ट ब्रिज जो बनाया था उसमें सॉल्ट ब्रिज क्या था, इन्वर्टेड यू ट्यूब था एंड इट वॉज फिल्ड विथ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड होता है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा पोटेशियम क्लोराइड KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है सॉल्ट ब्रिज की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिलेटिन और अगर वो डिसॉल्व करना होता है कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से जो ऊपर हमने KCl और KNO3 लिखा है, इसमें से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप एक्वस सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड लो, उसमें जिलेटिन और अगर मिला दो, ताकि आयंस का मूवमेंट स्लोड हो जाए, फास्ट मूवमेंट आयन का नहीं होना चाहिए। और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको ट्यूब में आप डाल दीजिए और उसके एंड को कॉटन से प्लग कर दो, ताकि हमारा जो हो आयंस वो डिफ्यूज ना करे, वो ऐसा ना हो कि दोनों हाफ सेल में चला जाए। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है बच्चों, तो सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन और टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट। दोनों हाफ सेल को वो कनेक्ट करता है जैसे आपने देखा। दूसरा, कीप द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ऐसा क्या होता है, सपोज करो बच्चों कि अगर हम ये देखें कि अगर इस फिगर में आप देखो, यहाँ से आप कहते हो कि ZN जो है वो धीरे धीरे आयनिक फॉर्म में यहाँ सॉल्यूशन में जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करेगा। और जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा तो फाइनली तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा। तो क्या होगा, ये अगर हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है तो इस सॉल्ट ब्रिज से अपोजिटली चार्ज आयन, अगर यहाँ जिंक आयन है तो इधर से निगेटिवली चार्ज आयन आकर इसको डिफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है एंड प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अब इसमें क्या है बच्चों, दो लिक्विड के बीच में अगर लिक्विड का अगर हम ऐसे रखें कनेक्टिविटी, तो वहाँ लिक्विड के सरफेस का पोटेंशियल एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप हो तो पोटेंशियल जनरेट होता है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये डेवलप होने से भी रोक सकता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पेशली गैल्वेनिक सेल में यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड करते हैं जो कि हमारा दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सेल को कंप्लीट करता है। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉल्ट ब्रिज। आप सबको समझ में आ गया, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम जब सेल बनाते हैं तो हमें दो हाफ सेल लेना होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है जो लेफ्ट में होता है, रिडक्शन हाफ सेल
राइट में होता है। दोनों को कनेक्ट सॉल्ट ब्रिज से करते हैं। इज इट क्लियर? सॉल्ट ब्रिज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने में पैरेलल लाइन है। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड, कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो वॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। आप अगर अभी जैसे हमने कहा कि हम अगर एक कंटेनर ले ले और उस कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, सपोज करो ये इलेक्ट्रोड जिंक ले लिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, तो ऑब्वियसली इस मेटल रॉड की, अगर ये मेटेलिक रॉड है, तो इस मेटेलिक रॉड की टेंडेंसी हो सकती है कि वो आयन के फॉर्म में चला जाए, Mn प्लस आयन बना के चला जाए, n इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दे। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेटल के सरफेस और सॉल्यूशन के बीच में एक उसके इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों एक चीज़ आप समझ लो, याद रखो कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस में हमारा आगे की तरफ नर्स्ड इक्वेशन होगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं बच्चों कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रोड्स होता है मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है गैस इलेक्ट्रोड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है। गैस इलेक्ट्रोड में एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोड गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर यूज्ड विथ रिस्पेक्टिव आयंस। अभी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे तो गैस इलेक्ट्रोड ही आपको होगा। और फिर होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया वी यूज द सॉल्ट ऑफ सम मेटल विच आर स्परिंगली सॉल्युबल विद द मेटल इट्सेल्फ। जैसे आप AgCl की बात कर सकते हो, AgCl सॉलिड है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड और फ्लोराइड आयन में जाता है। फिर आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की बात कर सकते हो, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, बट इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मेटल, मेटल आयन मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी बात करेंगे। तो अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ नॉट ईजी, ये बहुत आसान नहीं है कि हम किसी एक सिंगल हाफ सेल जैसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए और रिडक्शन पोटेंशियल को हम इंडिविजुअली किसी एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑप्टेन करें, दैट इज़ नॉट ईजी टास्क। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोई ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना होगा जिसको हम पहले से उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रख सकें। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, लिसन मी केयरफुली, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ए हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं, प्लैटिनम इन स्मॉल ब्रैकेट S फॉर सॉलिड, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और इंटरफेस के बाद हाइड्रोजन आयन यानी कि वहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हमने मान के रखा है, बाई कन्वेंसन इट इज़ कंसिडर्ड एज जीरो पोटेंशियल, चाहे वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज जीरो पोटेंशियल। उसकी वैल्यू हमें जीरो वोल्ट ही लेनी है। और कैसा होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर कि द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, ये आप देख लो, ये आपको यहाँ पर ये है आपका, ये तो ग्लास है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉयल
और इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा जिसकी मोलरिटी यूनिटी रखनी है, 1 मोलर सॉल्यूशन लेना है और यहाँ से क्या करना, हाइड्रोजन गैस पास करना है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड। यहाँ से हम प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड करेंगे, ओके। और ऐसा माना गया है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड। अगर आप कहते हो कि स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड मीन्स द कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड। कंडीशन स्टैंडर्ड हमारा कब होता है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 bar होगा और कंसंट्रेशन 1 molarity होगा। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कितना हम दे रहे हैं, 1 bar, मोलरिटी कितना है 1 m, और टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रख दी। तो स्टैंडर्ड केस में जो असाइन किया गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो कितना किया गया बच्चों, इट वाज कंसीडर्ड एज 0 volt E0। जहाँ नॉट लिखा हो आप समझ लेना कि इट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और व्हाट वाज द वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 0 volt। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये हम कैसे शो कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहे हैं, सो इट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात आप हमेशा याद रखना, IUPAC ने मान लिया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसके रिडक्शन वैल्यूज के रूप में देंगे। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वहाँ पर अब रिडक्शन, पहले ऐसा होता था बच्चों कि जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सपोज करो अगर हम लिखते हैं Zn2+ ion और 2 electron रिलीज किया, अगर इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए हम लिखना चाहे कि पोटेंशियल की वैल्यू, तो ई नॉट, यहाँ चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, Zn आयन के रूप में चेंज हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू, ये क्या शो करता है, दिस शोज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन शो करता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सपोज दैट 0.76 volt। अब अगर इसका हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, Zn2+ ion 2 electron और Zn solid के फॉर्म में, अब यहाँ पर ये अगर आप लिखते हो E0 Zn, यानी सबसे पहले आयंस को लिखा फिर उसके मेटेलिक फॉर्म को लिखा, दिस इज व्हाट रिडक्शन। आप ये रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हो, जस्ट रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो ये वैल्यू का जो साइन है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओनली साइन इज दैट इज -0.76 volt। IUPAC ने बच्चों इस चीज को स्टैंडर्ड माना, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो दी जाएगी, इट शुड बी ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि कोई अगर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट लेता है, कोई रिडक्शन का कॉन्सेप्ट लेता है, तो देयर मे बी द प्रॉब्लम इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए हमेशा जो वैल्यूज आपको होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही होगी। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ देख लो बच्चों, चाहे E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 volt, अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख देते H2 1 atm और हम ऐसे लिखते 2H ion + 2 electron, इस कंडीशन में ये रिडक्शन था, ये ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ भी E0 की वैल्यू चूंकि 0 है तो प्लस माइनस की 0 नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो इसको 0 volt ही कंसिडर करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है, यानी हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी मदद से हम बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स की, डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड और मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब यहाँ से कनेक्टिविटी दे देंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे एनोड रिएक्शन आप देख लो जो अभी मैंने बताया ऐसे है, कैथोड रिएक्शन ऐसे है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो SHE हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो गैस होगा उसका प्रेशर 1 bar, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन शुड बी 1 molar एंड टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए देख लो बच्चों, कंसंट्रेशन 1 molar होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 bar होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करेंगे उस इलेक्ट्रोड के लिए पर्टिकुलरली, और उसको हम किसके रिलेटिव कनेक्शन देंगे, यानी अब हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनेगा उसका एक हाफ पार्ट, अगर हम ऐसा कहें कि ऑक्सीडेशन हाफ जो होगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखो और रिडक्शन हाफ सेल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड को रखो जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्टेन करना है।
इजिट क्लियर? तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पर एक्चुअली इन दिस सेल क्या हो रहा है, आपको ZnSO4 इसको हमने बना दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ सेल। इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है, ई नॉट तो मालूम है, हाइड्रोजन के लिए इट इज़ 0 वोल्ट। इसको ऑप्टेन करना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, वी विल सी द वोल्ट मीटर रीडिंग। इसको आप पढ़ोगे, व्हेन द सेटअप इज कम्प्लीटेड वी विल जस्ट सी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें मिल जाएगी। पहले तो इस सेल का रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए ऐसे, रिडक्शन हाफ के लिए ऐसे। आगे आ रही है सबको बात समझ में आ रही है ना? अब रिएक्शन कैसे हो रहा है, सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन देख लो कैसे होगा। एनोड पर Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2+ एंड कंसेंट्रेशन इज देयर 1 मोलर सॉल्यूशन, इज इट क्लियर? कैथोड पे आके देखो, हाइड्रोजन आयन 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और वो हाइड्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सेल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर सेल रिएक्शन। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस वन, इज इट क्लियर? अब बच्चों देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें जो सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब वोल्ट मीटर हमें रीडिंग किसका देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा ई नॉट सेल का। तो ई नॉट सेल हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इट इज़ 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन हमारे राइट साइड में था, उसका कितना आ गया, 0 वोल्ट। और जिंक का हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो लेफ्ट में हमने ले लिया। इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपको क्या आ जाएगी बच्चों, देखो 0.6 वोल्ट इज इक्वल टू 0 माइनस E0 Zn 2+ Zn। तो E0 Zn 2+ Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। यानी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकाला, जिंक इलेक्ट्रोड का निकाला। सिमिलरली बच्चों, अगर आपको मान लो कॉपर का निकालना है, तो आप क्या करोगे, कॉपर के साथ कनेक्टिविटी दे दोगे, इसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पर देखो, ये सेल रिएक्शन, अब से देखो सेल रिएक्शन को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो कॉपर इलेक्ट्रोड है अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो आपका क्या है, कैथोड बनेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है आपको, वो एनोड बनेगा। यहाँ देखो कंडीशन क्या है, 1 बार 1 मोलर सॉल्यूशन, इट मींस इट इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, अब आपके लिए क्या फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हमें ई राइट यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना है। तो जब आपको जो मेजर डीएम ऑफ द सेल होगा, जो ई नॉट सेल है, यानी दिस इज ई नॉट सेल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो यहाँ पर ये आपको कितना गया, 0.3 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पर आप 0.3 वोल्ट रख देंगे, देन यू विल गेट 0.3 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0, यानी कि ई नॉट आर कितना आ जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, 0.3 वोल्ट आ जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से डेवलप करना है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो क्या है बच्चों, वो ये है कि निगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपने किस केस में लाया था, जिंक के केस में, जिंक के केस में आपको क्या मिला था, ई नॉट Zn2+Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू निगेटिव थी। यहाँ कॉपर के केस में क्या आया बच्चों, Cu2+Cu, ये आया 0.3 वोल्ट। तो निगेटिव वैल्यू फर्स्ट केस में इसमें हमने ऑप्टेन किया था। ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन आयन्स कैन ऑक्सीडाइज जिंक। हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है। निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, और पॉजिटिव वैल्यू क्या है, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आपको क्या किया गया, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए
डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्टेन किया गया, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया वो वैल्यू इस तरीके से आपके बुक में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में इट इज़ गिवेन, और यहाँ पर भी आपको मैं बता रहा हूँ। एंड दिस इज नाउ यू कैन सी फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बच्चों क्या बनाता है, फ्लोराइड आयन बनाता है। इसकी वैल्यू देखो 2.87, हाईली मैंने वैल्यू में सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फ्लोरीन है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। इसकी टेंडेंसी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, ओके। और इलेक्ट्रॉन गेन करना इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो चाहता है रिड्यूस होना, और वो रिड्यूस होना चाहता है, इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और चूंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो दिस फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 फ्लोराइड आयन 2F- से F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप होके बच्चों आ रहा है कि जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। उसकी वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करना। तो यहाँ आप देख सकते हो आगे की तरफ हमने सबसे नीचे में क्या है बच्चों, लिथियम है। लिथियम की वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है। अब निगेटिव में होने का मतलब क्या हो गया कि इट हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इंडिकेट्स दैट लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ऐसे इसको रिवर्स करके लिखोगे तो लिथियम, ये लिथियम मेटल होगा आपका, लिथियम मेटल इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं, जैसे हमने शुरू में फ्लोरीन के केस में चर्चा की, आपको एक बार फिर से मैं आपको उस पॉइंट पे फोकस कर देता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फ्लोरीन की चर्चा करें, फ्लोरीन F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2F-, ये आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो आपको चाहता है कि वो रिड्यूस हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। आई बात समझ में, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात समझ में, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप बात करें लिथियम की, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव में है, तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नहीं है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर आप लिथियम मेटल की बात करोगे तो लिथियम मेटल, चूंकि रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 3.05 हो जाएगी। तो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना है, और इसके लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया है। अब सबको समझ में आ गया ना, तो नाउ
थैंक्स फॉर वॉचिंग. एक्चुअली आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर, विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन. बहुत लंबा सेशन नहीं हो जाए, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट सर द वीडियो शुड बी नियर अबाउट ऑफ 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा का वीडियो होता है तो दे फील सम प्रॉब्लम. सो आई एम स्टॉपिंग माई सेशन हियर. आई विल कंटिन्यू विद द सेम पॉइंट. आज आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इज इट क्लियर? आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो माई डियर स्टूडेंट्स, आई विल कंटिन्यू विद द सेम पॉइंट. मैं यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड होपिंग दैट यू विल बी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हाउ इज इट कैलकुलेटेड? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ